हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडो वेस्ट किचन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक खास तरह की चाय। इसमें ना चाय डलेगी ना दूध डलेगा, और ये चाय उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो चाय का बहुत सेवन करते हैं और वो चाय छोड़ना चाहते हैं। तो मैं आज आपको एप्पल की चाय बनाना बता रही हूँ। ये चाय बहुत पौष्टिक बनने वाली है क्योंकि इसमें सेव है, जो कि हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और वेट को भी कम करने में सहायक है। तो इसके लिए एक एप्पल लें और इसको आप धोकर मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें। ये मैंने काट लिए हैं टुकड़े और इनको हम थोड़ा सा क्रश करेंगे, थोड़ा सा क्रश करेंगे, या तो फिर ऐसे ही रख के आप क्रश कर सकते हैं या फिर इसमें डाल के थोड़ा सा क्रश करना है। इसको ज्यादा नहीं कूटना है। हमने गैस पर 2 कप पानी रख दिया है। हम इसमें एक उबाल लगाएंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें ये सेव डाल देंगे। एक उबाल आने के बाद हम इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। इसमें आप पिसी हुई दालचीनी इस्तेमाल ना करें। 2 इंच का टुकड़ा डाल दें दालचीनी का। एक उबाल आने के बाद गैस को सिम कर दें और इसको करीब 5 से 7 मिनट ढककर पकाएं। चाय को पकते हुए करीब 5-6 मिनट हो गए हैं। अब मैंने ये फ्रेश रोज लिया है, इसके मैं 5-6 पत्ते इसमें डाल दूंगी तोड़कर। इसे क्या होगा, इसका एरोमा आ जाएगा और जब आप चाय पियेंगे तो इसकी बड़ी अच्छी खुशबू भी आएगी और कलर में भी अंतर आएगा। तो अब हम इस चाय को ढककर करीब 2 मिनट पकाएंगे। अब चाय हमारी पक चुकी है, गैस मैंने बंद कर दी है। मैंने कुछ पीस सेब को ऐसे काट लिया है, बहुत पतले पतले, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसको कप में ऐसे रख देंगे। दालचीनी का कलर आने तक इसको पकाएं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।